हेलो स्टूडेंट्स, यस क्लास ए, नाउ वेलकम बैक। आई होप कि आपकी छुट्टी अच्छी बीती होंगी। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद फिज़िकल फीचर्स ऑफ एशिया। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एशिया के फिज़िकल फीचर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एशिया, मैंने आपको पहले भी बताया था दैट एशिया इज़ द क्रैडल ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। इसको इसलिए क्रैडल ऑफ एंशियंट सॉरी इसको क्रैडल ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन बोला जाता है क्योंकि ये बहुत सारी अलग अलग यहाँ पे सिविलाइजेशन होती हैं, और इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ें, हर तरीके की क्लाइमेट, हर तरीके का वेजिटेशन, हर तरीके का सिविलाइजेशन, कल्चर, रिलीफ फीचर्स, सब चीज़ें देखने को मिलती हैं अलग अलग वेराइटीज़ में। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे एशिया के फिज़िकल फीचर्स के बारे में। एशिया हैज़ अ वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स लाइक High mountains, vast plateaus, extensive plains, ridges, coastal strips, deserts, islands, fertile river valleys, etc. So it is often called as the land of varieties or contrast. जैसे कि हम देख रहे हैं कि एशिया जो है वहाँ पर variety of landforms भी पाए जाते हैं, जैसे कि high mountains, वास्ट प्लेटूज, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े प्लेटूज हैं, एक्सटेंसिव प्लेन्स हैं, रिजेस हैं, कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल स्ट्रिप्स हैं, मतलब कोस्टल लाइन, पूरी कोस्टल लाइन, बहुत बड़ी बड़ी कोस्टल लाइन है, डेजर्ट्स भी हैं, आइलैंड्स भी हैं, फर्टाइल रिवर वैली भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, वो भी अलग अलग वेराइटी में। सो इट इज़ ऑफन कॉल्ड एज द लैंड ऑफ वेराइटीज़ और कंट्रास्ट, इसीलिए इसको लैंड ऑफ वेराइटीज़ और कंट्रास्ट भी बोला जाता है। द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 फिजिकल डिविजन। जो एशिया है वो इसको 5 फिजिकल डिविजन्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज द नॉर्दर्न रोलैंड्स, सेकेंड इज द सेंट्रल हाईलैंड्स, थर्ड इज द सदर्न प्लेटूज, फोर्थ इज़ द ग्रेट रिवर बेसिन्स, एंड द फिफ्थ वन इज़ द आइलैंड ग्रुप और आर्किपेलागोस। इसे क्या बोलते हैं? आर्किपेलागोस क्या होते हैं? जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं उनको हम लोग आर्किपेलागोस बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्दर्न लोलैंड्स। आज हम लोग नॉर्दर्न लोलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि नॉर्दर्न लोलैंड्स क्या होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एशिया में, और क्या क्या हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। सी, दीज आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशिया, बॉर्डरिंग द आर्कटिक ओशन एंड द सेंट्रल हाईलैंड्स इन द साउथ। ये देखिए कहाँ पे बॉर्डर होते हैं। मेरे पास एशिया का मैप है, आई एम ओपनिंग दिस एटलस, आपकी बुक में भी इधर साइड गिवन है, ठीक है। तो देखिए मैप में कैसे शो हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दैट नॉर्दर्न, इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशिया, बॉर्डरिंग द आर्कटिक ओशन एंड द सेंट्रल हाईलैंड्स इन द साउथ। ये किस किस से बॉर्डर इसका है? आर्कटिक ओशन, जो हमारा आर्कटिक ओशन है, ऊपर पूरा आर्कटिक ओशन है ना, सी हियर, पूरा आर्कटिक ओशन है ऊपर, और ये आर्कटिक ओशन ऊपर की तरफ इधर, और इसके बाद जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं बीच में आपके, लेट मी शो यू, वेट अ मिनट, सेंट्रल हाईलैंड्स मतलब जहाँ से आपके सेंट्रल हाईलैंड स्टार्ट होते हैं, मींस दिस साइड बीच वाला एरिया, ठीक है, यहाँ तक आपके पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स लाए करते हैं। नेक्स्ट इज दीज आर बाउंडेड बाय द बेरिंग सी इन द ईस्ट एंड द कैस्पियन सी इन द वेस्ट। और जो बेरिंग सी कहाँ पर है? इन द ईस्ट साइड, दिस इज बेरिंग सी, ठीक है, बेरिंग सी इन द ईस्ट साइड एंड ऑन द वेस्ट साइड
यहाँ पर क्या पर है, क्या है, कैस्पियन सी इन द वेस्ट. देखिए कैस्पियन सी आपको सी हियर, कैस्पियन सी इन द वेस्ट, वेस्ट साइड में आपको कैस्पियन सी देखने को मिलेगी. नेक्स्ट इज इन द नॉर्दर्न लोलैंड्स देयर आर टू रीजन्स. नॉर्दर्न लोलैंड्स को दो रीजन में डिवाइड किया गया है. पहला रीजन है द साइबेरियन प्लेन्स इन द नॉर्थ एंड द ट्यूरन प्लेन्स इन द साउथ वेस्ट. जो ऊपर वाला नॉर्थ वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं साइबेरियन प्लेन्स, और इसी का जो साउथ वाला पार्ट है, साउथ वेस्ट वाला पार्ट, वो कहलाता है ट्यूरन प्लेन्स. ये नॉर्थ और साउथ हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न लोलैंड्स की. नॉर्दर्न लोलैंड्स का नॉर्दर्न पार्ट आपका साइबेरियन प्लेन्स है और सदर्न पार्ट है आपका ट्यूरन प्लेन्स. इन दोनों के बीच वाला जो भी एरिया है और इन दोनों को भी जो कवर, जो एरिया कवर करता है, वो हमारा कहलाता है नॉर्दर्न लोलैंड्स. अब इसके बाद है आपका द साइबेरियन प्लेन्स और द ट्यूरन प्लेन्स. इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे. ये डिटेल हम लोग जो पढ़ेंगे इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्लास, बिकॉज इट इज़ अ वाइड डिस्क्रिप्शन. तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. और क्लास नेक्स्ट टाइम से जब ये चैप्टर चल रहा है, जो भी जिस भी चैप्टर में मैप होता है उस चैप्टर के साथ हमेशा अपनी एटलस साथ में रखिए, ताकि आपको चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. ओके क्लास, तो अपनी नेक्स्ट टाइम से एटलस अपनी अपने साथ में रख कर तब उसके बाद इसको समझने की कोशिश करिएगा. ओके क्लास, थैंक यू.